भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। आई चलते भगवान को मनाते हुए, क्योंकि राम कथा होगी तो राम जी को मनाना, गणेश जी को मनाना, दुर्गे जी को मनाना, सीता जी को मनाना, मगर भागवत भगवान मेरा गोविंद कहता है कि तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं भगवान के चरणों में, क्या लिखा है कैसे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। बनाने वाला
बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, 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 प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को भगवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। संत समाज की जय हो। बस्ती मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। स्थान देवता की जय हो। मटिरार बाबा की जय हो। नाथ बाबा की जय हो। चोर मैया की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। तीन बाणधारी की जय हो। शीस के दानी की जय हो। हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पर धर्म की जय हो। सभी बैठ जाइए स्थान पर। आप लोग सीढ़ी पे नहीं बैठे, आराम से लाइन में बैठे, जब जगह नहीं रही जब बैठ जाना सीढ़ियों पे। आइए एक बार प्यार से बोल दो राधे। परीक्षा जी तुम वहां बैठोगे? श्री मद भागवत ध्यान देना, श्री मद भागवत महापुराण। श्री मद भागवत का मतलब है श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, भा माने भाव, गे माने ज्ञान, बे माने वैराग, ते माने त्याग। जानते सुनना, भगवान के चरणों में चलना है। हमने अभी भागवत भगवान की आरती गाई, श्री भगवान भागवत भगवान की आरती और पापियों को पाप से तारती। ध्यान देना, ये पापियों को तारने वाली है, पापी को नहीं, पापियों को। क्योंकि जब गजने और गिरहाने, गजने प्रभु का नाम लिया तो भगवान दौड़ करके आए और आकर के ना उन्होंने मगरमच्छ का वध किया। क्यों? क्योंकि मैं तो उन भगतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। आज प्रथम दिवस है, व्यवस्था में समय लग जाता है, कोई बात नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसी हमारी तुलसी विवाह समिति है, कमेटी है, माता बहनों की बहुत अच्छा भाव, बहुत अच्छी व्यवस्था। शायद के ऐसी व्यवस्था जेंट्स लोग भी नहीं कर पाते,
इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। कितनी पब्लिक थी कलश वाली माता बहन 150 से ऊपर थी और वैसे भी थी, सबकी व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूँ हे गोविंद हे ठाकुर जी महाराज, इन पे ऐसी कृपा करके ये तेरा हर साल ऐसी नाम लिखवाती व्यवस्था बनाती रहे। शादी तो कराती, 11वीं शादी है, 11वीं है, 14 मेंबर है इस कमेटी में और भी बढ़ सकते हैं। आई यहाँ कुशल सब भांत सुहाई, वहां कुशल राखी रघुराई। आपने एक साइड में रास्ता बना दो, इधर से या इधर से, आप अपना इधर ले लो पूजा जी अपना आसन इधर, हाँ इधर अपना आसन इधर लगा लीजिए इधर आकर, क्योंकि आने जाने वाले को दिक्कत नहीं रहेगी। आइए ध्यान देना कि यहाँ कुशल सब भांत सुहाई, वहां कुशल राखी रघुराई। यहाँ कुशल, यहाँ सभी प्रकार से कुशल मंगल हैं, और वहां जिसको हम याद कर रहे हैं, जिसको हम छोड़ के आए हैं घर परिवार को, वहां कुशल मंगल भगवान रखेंगे। आइए मीठी मीठी ताली के साथ में भगवान को मनाना है, फिर कथा पे चलना है। हमारा मन राधे श्री राधे राधे राधे। परम धन राधे श्री राधे राधे राधे। हमारा मन श्री राधे राधे राधे। भैया बोले अरे बहना बोले, ऐसे लगता है जब इंसान या तो खाता नहीं है वो ये ज्यादा खा लेता है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा खा लिया है ना, उठाई इधर हाथ। वृंदावन में आवाज न आई कुंज गली में, अरे भैया बोले ओए बहना बोले, क्या बोलना है। हमारो 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 मन राधे श्री राधे राधे राधे। हमारो मन राधे श्री राधे राधे राधे। हमारो धन राधे श्री राधे राधे राधे। परम धन राधे श्री राधे राधे राधे। हरि बोल।
घाट पे राधे राधे बंसी बटवे राधे राधे वंदन बिहार की राधे राधे कुंजी गली गली राधे राधे यमुना बाबे राधे राधे बंसी बटवे राधे 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 हमें तो जोगिनिया बना हमें तो जोगिनिया यशोदा नंद को लालारी यशोदा नंद को लालारी हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे हमें तो जोगिनिया अरे आप तो ओड़े साल दुसाला आप तो ओड़े साल दुसाला आप तो ओड़े साल दुसाला हमें तो चूंदरिया ओढ़ाए गयो रे हमें तो चूंदरिया ओढ़ाए गयो रे
तीरे जोगिया बन जाऊंगी काना तीरे जोगिया बन जाऊंगी बाधा तीरे बाकी में यहाँ तो आनंद नहीं परमानंद आएगा। सुनिए आनंद तो आता ही है, आनंद तो आता ही है, मगर परमानंद जरूर आएगा। बोली बोली भाई, ध्यान देना। श्री मद भागवत महापुराण, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी में मद नहीं है, प्रेम बहुत है। और जहां प्रेम होता है तो वहां आनंद को आना पड़ता है। आप लोगों की बातें बंद होंगी या नहीं? पूनम जी बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा आनंद आ जाएगा। बैठ जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। श्रीमद् भागवत कथा को सुनना, कराना, करना कोई साधारण चीज नहीं है। परिचय जी मोबाइल पर रख दीजिए, मोबाइल तुमसे महंगा मेरे पास है, एक नहीं दो दो देख लो, झूठ नहीं बोलता। चार घंटे के लिए मोबाइल, घर परिवार को भूल जाइए तो कथा सुनने में आनंद आएगा, क्योंकि कथा होती है आसन की। जब आसन पर विराजमान हो जाते हैं तभी कथा सुनाई आएगी, और आसन को छोड़ दोगे तो कथा नहीं समझ पाओगे।
ध्यान देना। इस भागवत कथा को सुनने के लिए कराने के लिए पता कितना पापड़ पेलना पड़ता है। नीम सारां श्री सूतामदि कथान अमरते सोन का नीम सारां में श्री सूत जी महाराज के पास 88,000 ऋषि मुनि एक अमृत का कलश जानते अमृत किसुदान कुंभो निग्रतेन त्वनं देव यत्रान समागन जाने अमृत का कलश लेकर के अपने गुरुजी के पास में गए। 88,000 ऋषि मुनि बोले गुरुदेव इस अमृत के कलश को तुम ले लो और इसके बदले में ना श्रीमद् भागवत कथा का रसा पान करा दो। क्या करा दो? रसा सुनना नहीं, रस का पान करा दो। श्री सोनकादिक ऋषि ने कहा 88,000 ऋषि मुनियों से सहस्त्रो न कुंभो न अमृते न पानो। सहस्त्र माने 1,000, सहस्त्र माने 1,000। यदि आप ऐसे तो क्या ऐसे अमृत के 1,000 कलश लेकर के आओगे ना तो भी तुम्हें कथा सुनने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बदला है। भगवान कभी बदले पे नहीं आता। भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जाता। भगवान को खरीदा जाता है भाव से। किससे? भाव। और यदि आप भाव बना लोगे हमें भगवान की कथा सुननी है, हमें भगवान के शरण में जाना है, हमें गोविंद को मनाना है, तभी गोविंद को मना सकते हैं। ध्यान से सुनना। इंसान कहता है कि परमात्मा सुनता नहीं है, है ना? भगवान सुनता नहीं है। भगवान सुनता है मगर हम सुनाते नहीं है। हम इतने मतलबी हो चुके हैं कि भगवान को सुनाना चाहते नहीं है। सुनाएंगे पड़ोस में सलना पड़ जाए किसी को जब सुनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो भगवान हमारे घर पे आए पड़ोसी लिवा के ले जाए देख ली तो पता नहीं क्या करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान देना। सहस्त्र माने 1,000। यदि आप 1,000 कलश अमृत के लेकर के और भागवत कथा को सुनना चाहें तो आपने देखा होगा भागवत पैसे से होती है। मान लिया पैसा देकर के साउंड वाला ला सकते हो, पैसा से कलाकार बुला सकते हो, पैसा से टेंट वाला आ सकता है बढ़िया से बढ़िया, पैसे से महाराज कथावाचक बिक रहे हैं वो आ सकते हैं, मगर सुनने वाले वाले बताइए ना। और यदि आपके पास में भाव है ना महाराज देखा ना भाव है तो कितनी लंबी लाइन थी। मैं थोड़ी सी मोड़ पे यहाँ रह गया तो मैं आगे बहुत दूर जाके हाथ में आया सब निकाल के ले गए। बोले चलो गुरुजी आगे चलो आगे चलो। यही तो भाव है। प्रेम क्या है? यही तो ब्रज है। आज हमको इस हिंदुत्व को इस प्रेम को बचाना है, इस प्रेम को लुटाना नहीं। जैसे मेरी गोविंद ने बचाया था इस प्रेम की खातिर गोविंद ने रथ चलाया था, इस प्रेम की खातिर जाकर के चीर बढ़ाया था, इस प्रेम की खातिर जाकर के उन्होंने लक्षाग्रह में उनके वनवास का साथ दिया था। हमको भी उनका साथ देना है, प्रेम को निभाना है। और जब तक हम प्रेम को साथ लेकर के निभाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ज्ञानम दति सुनार
एक ज्ञान देने वाले नारद होते हैं और एक अज्ञान देने वाले नारद होते हैं। ज्ञानम दतिसो नारद, ज्ञानम दतिसो नारद, अज्ञानम दतिसो नारद। एक ज्ञान देने वाले और एक अज्ञान। नारद का मतलब है जिसकी बात रद्द न हो वही नारद है, और जिसकी बात रद्द हो गई वो नारद नहीं। बीड़ा को बजाते हुए नारद जी वृंदावन आए, कहां पर आए? जोर से बोलना पड़ेगा, वृंदावन। देखा जमुना के किनारे पर कलहीन दानात नेन साधन घटते नजरठा माता न तरणो। एक बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर युवती थी, उसके पास दो बड़े वृद्ध पुरुष लेटे हैं। जब दोनों पुरुष लेटे हैं, नारद जी ने कहा, आप कौन हो वाले? ये ते सुंदरी, तुम कौन हो? भक्ति ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते? अरे मेरा नाम भक्ति है, कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ, और गुजरात में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला। जिस दिन से मैं गुजरात को छोड़कर के इस वृंदावन में आई हूँ, तो मैं तो जवान हो गई, मगर ये दोनों मेरे पति नहीं है, ये दोनों मेरे पति नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है। कौन है ये? मेरे बेटा है, पुत्र है, पुत्र है। माता नई अवस्था में तरुण है, और बेटा दोनों वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि जब माँ बाप की बात बेटा नहीं मानते, बेटी नहीं मानती है, तो उनको वृद्ध होना पड़ता है, उन पे बुढ़ापा आता है और आएगा। क्यों आएगा? जब बुरे कामों में लीन हो जाएगा बेटा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, तो क्या हुआ? एक दिन माँ की गोद में आया, माँ की गोद से चला जाएगा। माँ बाप कहते बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो, पर बेटी बेटा नहीं मानते हैं। क्यों बताते हैं माँ बाप? ये माँ बाप इतना क्यों बताते हैं कि ऐसा मत करो? क्योंकि उन्होंने वो जमाना देखा है, जिस जमाने में तुम चल रहे हो ना, उस जमाने को देखा है। ध्यान से सुनना, यत फलम नास्ति तपस्या न योगनेन साधन तत् फलम लभतेन साधनम कलयो न केशवम न कीर्तन। यदि आप किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास में जाओगे, तो तुम्हें लाभ दिखा देगा, मगर फायदा नहीं करेगा। यदि आप अपने जीवन में फायदा चाहते हैं, आप अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हो, तो भगवान की भक्ति तुम्हें करनी पड़ेगी। भक्ति में बहुत शक्ति है, है कि नहीं? भक्ति में शक्ति है कि नहीं? यदि आप भक्ति करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और भक्ति नहीं करोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति माने क्या है? भक्ति नहीं पता? भक्ति माने सेवा करना। यदि तुम किसी की भी सेवा करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ दे के जुड़ जाएगा। जाता है कि नहीं? बोलिए ना, यस या नो। यदि आप पड़ोसी की सेवा करेंगे तो पड़ोसी भी तुम्हें कुछ ना कुछ दे के जाएगा। यदि आप भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ देगा। और जब तुम सेवा नहीं करोगे तो फिर क्या घर के तुम पे आग पजा रहे? भाई मानो आज हम यहाँ आए, आप सत्कार कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, घर देख रहे ना, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। क्यों?
ऐसा क्यों जानती ना, क्योंकि यदि भगवान की सेवा करेंगे, पड़ोसी की सेवा करेंगे, घर वालों की सेवा करेंगे तो हमें मेवा मिलेगी। आज ध्यान से नारद जी ने कहा, बाले व्रतान खेद से नाले और चिंता चतुर कथा बाले, तुम तो भगवान की भक्तनी हो और आप तो भगवान की भक्तनी होकर भी महाराज ऐसे पैर, कारण क्या है? अरे तुम्हें तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। श्री कृष्ण चरणों स्मरेन दुखयानगत, ध्यान से सुनना, भगवान की भक्ति हो, भगवान के चरणों में रहती हो, रात दिन वंदना अर्चना करती हो, फिर भी दुख क्यों जी? क्या भगवान की भक्त पर दुख नहीं आते? बोलिए, भगवान की शरण में रहने के बाद दुख नहीं आते हैं? आते हैं। कैसे आते हैं ये बताता हूं, ध्यान से सुनना। किसी गाड़ी में आप बैठ जाइए, टाटा 407 में, ईको थोड़ी कम कर, बोलते समय डिले कम कर, सादा ध्यान देना। आप ब्रेकर को यानी कि बस से या टाटा 407 से कूदेंगे ना ब्रेकर को, तो धचकी ज्यादा लगेगी। और उसी ब्रेकर को यदि आप BMW में बैठ के कूदेंगे तो आपको महसूस होगा कि धचकी आई, आएगी जरूर। ऐसे ही भगवान के भक्तों की बात होती है। यदि भगवान का भक्त है, परेशानी आएगी, जैसे मानो कहीं जा रहे रास्ते में एक्सीडेंट होना है और हमें मरना है, तो एक्सीडेंट तो होगा जरूर, बाएं में लग जाएगी, हाथ में लग जाएगी, आंख में लग जाएगी, कान में लग जाएगी, टांके आ जाएंगे, सर फट जाएगा, मरेंगे नहीं। इसको कहते हैं भगवान की कृपा। और कहते हैं अरे क्या है, ये तो लग गई, भगवान की भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहा है, ध्यान देना। तो यदि भगवान की भक्ति करने पर भगवान का प्रकोप आपको नहीं दिखेगा तो कैसे दिखेगा? जैसे हमारे पंकज जी के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, कितनी चोट थी, घबरा रही थी, पता नहीं महाराज कथा होगी या नहीं होगी, मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, चिंता ना करो, भगवान सबकी रक्षा करता है। जैसे दवा और दुआ, दवा और दुआ दिखती नहीं है मगर असर पूरा करती है। सर में दर्द हो और गोली खाओ, कहां जाएगी गोली? मुंह में खाएंगे, पेट में दर्द कहां का बंद होता है? सर का। गोली तो पेट में दर्द यहां को बंद कर रही है, क्यों जी? बताइए ना, ये दवा का दुआ का असर होता है। यदि आपके पैर में दर्द है तो भी गोली मुंह से खाओगे पेट में रहेगी, दर्द पैर का बंद करेगी ना कि सर का करेगी। तो जिस रूप में आपने भगवान की भक्ति की है, जो परमात्मा से इच्छा में मांगा है वही तुम्हें मिलेगा। आज भक्ति को समझाया क्या करना चाहिए। आप अपने इन दोनों बच्चों को ज्ञान वैराग्य को लेकर के जाइए, कहां? हरिद्वार। हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है और उस घाट पे जाकर के आप अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा का रसापान कराइए। आज की समझ नहीं कथा, कल तो चल जाएगी लैंड पे, आज समझ लोगे तो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी, और नहीं तो बढ़ना फिर बेकार जाएगी आंधी में होकर। ध्यान से सुनना, आनंद नाम के घाट पे महाराज लेकर के आज भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों को गई, और ज्ञान वैराग्य को जाकर के उन्होंने स्थापना कर दिया। और जैसे ही भागवत में ज्ञान वैराग्य दोनों को स्थापना हुई
तो वहां सत्संग हुआ, क्या हुआ? सत्संग। आइए दो मिनट के लिए सत्संग हम भी करते हैं, और आज सत्संग में कैसे कैसे क्या हुआ, सभी गाने लगे बजाने लगे। आइए कि सामरे से मिलने का कि सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मेरा भजन ऐसा नहीं होगा जो तुम ना बोल पाओ, बहुत सीधा सीधा भजन। आप बोलोगे कुछ मिलेगा, मैं अकेला गाऊंगा तो मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं गाऊंगा तो भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं भाई? मुझे तो पैसा मिलेगा। उठाई हाथ और कहना क्या है प्यार के संग, के सामरे से मिलने का इगुड़ा के सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का अरे सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ चले आओ चले सत्संग में, उन्हें 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 अपना बनाना है। अरे सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामर से मिलने का तुम्हें मेरा पुकार रही, आओ मेरे रे आओ मेरे रे आओ मेरे बनवारी। ओ तुम्हें मेरा पुकार रही, तुम आओ मेरे बनवारे। मेरा क्या पुकार रही थी? झाड़ू लगवानी थी क्या? पोताई करवानी थी? पोताई हो तुम्हें मीरा पुकार रही, आओ मेरे आओ मेरे आओ मेरे बनवारी। गिरधारी को बुलाया क्यों? मकान नहीं बनवाना था, तुलसी का विवाह नहीं करवाना था। विश्व भरे प्यारे का तुम्हें 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 अमृत बनाना है। अरे सामर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जो जहर का प्याला था वो क्या था? राणा ने सब गाती कि राणा ने जहर का प्याला मिलाया जहर में, क्यों मानने के लिए? अरे चौनई बात करो, कौन का वो मारे? जहर का मतलब है विष का प्याला,
हमारे तुम्हारे विचार आपस में नहीं मिले तो यही जहर है। तुम कहोगे कन्हैया है, हम कहे ना ये तो राम है। विचार नहीं मिला हमारे तुम्हारे अंदर जो जहर भुल्ला है उस जहर को दूर निकालना, उस जहर को अमृत बनाना है। तो हम सबको भी बुलाना है। ओ तुम्हें मेरा पुकार रही आओ मेरे ओए आओ मेरे गिरधारी। तुम्हें मेरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। ओ तुम्हें मेरा पुकार रही तुम आओ मेरे गिरधारी। बेसे भरे प्यार ही का है कन्हैया के बेसे भरे प्यार ही का। तुम्हें 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 अमृत बनाना है सामने से मिलने के का सत्य सभी बहाना है सामने से मिलने का। पुकार रही आओ मेरे आओ मेरे बनवारी। पुकार रही तुम आओ मेरे बनवारी। किस लिए बुलाया आया मेरा चीर बढ़ाना है मेरा चीर बढ़ाना है मेरी मेरी लाज बचानी है कामर से मिलने का सत्य सही बहाना है कामर से मिलने का सत्य सही बहाना है। पुकार रही आओ मेरे रघुराई। तुम्हें सबरी पुकार रही तुम आओ मेरे रघुराई। अच्छा ये बताओ भगवान को अपने यहाँ कौन कौन बुलाना चाहता है? पक्का पर तुम भगवान को बुलाना चाहते हो भगवान को बुलाना नहीं चाहते? इधर से रास्ता है ना अपनी तरफ से हेलो आंटी उधर रास्ता है ना नहीं इधर तो है ना गलिया ये वाली जूता पहन के चले आ रहे हैं कैसे हिंदू में पता ही समझ में नहीं आता है। ध्यान देना हो तुम्हें सबरी पुकार रही आओ मेरे आओ मेरे रघुराई। तुम्हें सबरी पुकार रही तुम आओ मेरे रघुराई। क्यों क्यों बुलाया? खट्टे मीठे मीठे खट्टे और खट्टे मीठे मीठे खट्टे खट्टे मीठे पेड़ों का क्या करना है? जैसे देख रहे थे ना सुबह पूरी सब्जी लेकर खड़े थे भगवान के सामने आए थे ना भोग लगाने के लिए कि खट्टे मीठे और मीठे खट्टे खट्टे मीठे पेड़ों का तुम्हें 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 भोग लगाना है सामने से लेने का
सत सखी बहाना है सामर से मिलने का हो सामर से मिलने का सत सखी बहाना है वो सामर से मिलने का सत सखी बहाना है सत्संग में उन्हें 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 अपना बनाने और सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है सावर से मिलने का और मथुरा में ढूंढा तुम्हें गोकुल में ढूंढा है मथुरा में ढूंढा तुम्हें मैंने गोकुल में ढूंढा है कौन कौन मथुरा गोकुल में गई क्या बात घात तो घात होती है पंकज जी घात तो घात होती है इधर हम कथा कर रहे हैं आप उधर बात करती हैं कोई बात नहीं आई ध्यान देना ओ गोकुल में मथुरा में ढूंढा तुम्हें गोकुल में ढूंढा है अरे मथुरा में ढूंढा तुम्हें मैंने गोकुल में ढूंढा है के वृंदावन की अरे वृंदावन की गलियों में दोनों हाथ एक राजा रानी का और एक श्याम प्यारी का कहना क्या है कि सामरे से मिलने का सत्संग बहाना है सामरे से मिलने का सत्संग बहाना है जोर से बोलना पड़ेगा ऐसे नहीं करते राधे आज दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर के भक्ति हरिद्वार में गई हरि द्वार क्या खो गया पीछे कुछ खो गया क्या ध्यान देना आज आप लोग यहाँ जो बैठे कहाँ बैठे कहाँ बैठे वंदना ब्याह कौन कह रहा है वंदना ब्याह वंदना ब्याह होता तो तुम उस रोड पे नहीं बैठते ये हरि का द्वार क्या है इस हरि के द्वार में आप बैठेंगे जरूर मुझे लगता है आनंद आएगा पीछे वाले बैठ जाइए आप लोग इलेक्शन आएगा जब खड़े हो जाना बहुत अच्छे लगेंगे फिर अभी इलेक्शन नहीं बैठ जाओ इस कथा से क्या फायदा मिला यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात को मानते हैं तो आप उन्हें अपने साथ में रखो और तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता उसे छोड़ दो तुम राजी से नहीं छोड़ोगे तो एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा चाहता है कि नहीं और एक बात और
संत महात्मा जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, कर्म कांड जो करते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं, ज्ञानी महात्मा कौन होते जानते हैं? महात्मा महात्मा जानते हैं जिनकी महान आत्मा होती है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। बहन जी सिस्टर कीप साइलेंस, टेप ना हो तो मैं लगा दूं, दे दूं टेप मेरे पास। चप्पल भी पैर रखी है और आगे बैठी दरबार में, फिर भी हंस रही है, बोल रही है, बातें कर रही है, बड़ी शर्म की बात है। मुसलमानों में 10 मिनट की रिवाज होती है तो शांत पढ़ते हैं, मगर इन हिंदुओं में ये बीमारी है। कहते राम का नाम लिया नहीं जाएगा, लिया जाएगा तो बातें जरूर करेंगी ना, बड़ी प्रेम की भाषा है। धन्य हो परमात्मा, ध्यान देना। या तो बेटी बेटे तुम्हारी बातें माने तो उनके साथ रहो, उन्हें अपने साथ रखो, और नहीं मानती तो अलग कर दो। ये मत सोचो कि बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, एक दिन ऐसा बड़ा ना हो जाए कि जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। है इतना भी बड़ा मत सोचो। कोई भी इंसान कर्म से मर जाता है। मौत दो प्रकार से होती है, एक कर्म से मरता है आदमी और एक मौत से मरता है। जो मौत से मरता है ना, उसे कंधा पे रख करके ले जाते हैं गाजीपुर, जाकर पजार देते, फूंक देते मरघट में। और कर्मों से जो मर जाता है, जानते हैं कर्मों से, किसी की बात खराब हो जाए, किसी के घर में कोई बात ऐसी हो जिससे उसे नीचा देखना पड़े, निगाह नीचे आ जाए, उसे कहते हैं कर्म की मौत। और कर्म की मौत को उठने के लिए एक ही ऐसा उपाय होता है कि जिसे करने से उद्धार हो जाता है। कौन सा? या तो इतना पैसा हो सामने वाला ना बोले, या इतनी भक्ति हो कि भगवान को भी तुम्हारे पास लाना पड़े। जान देना, नहीं इन्हें दिखता नहीं है, यहाँ के नहीं, विदेश से आए, फॉरेन से आए, इन्हें ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर को जाना है। चलो निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, ध्यान देना। अंग्रेजी भी जानते हैं, इस्कॉन मंदिर में आप जाइए ना वृंदावन में, तो वो भी जानते हैं कि प्रकम्बा नंगे पैर लगते भगवान का नाम लिया जा रहा है। आइए ध्यान देना, आज ज्ञान वैराग्य दोनों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गई। कहां आ गई? ये जो लेके सर पे घूमे थे ना लेकर के, क्या थी? ओ पेड़ जो खड़े थे पेड़, हाँ मैं जानता नहीं हूँ क्या कहते हैं, इन्हीं का नाम है बिंद्रा, वृंदावन जिसे कहते हैं। आज तुमने वृंदावन बना दिया। कथाएं तो बहुत करी है मैंने और आगे भी करता रहूंगा, 14 फिर कथा ही खोना में ही है, जड़दा में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जड़दा कॉलोनी में, फिर 22 प्रोग्राम है दिल्ली में, बिहार में 3-4 प्रोग्राम है, लगातार प्रोग्राम है। खैर मगर तुमने इसको वृंदावन बना दिया, वंदना विहार को वृंदावन बना दिया। ये बिंद्रा तुलसी जो है, ये भगवान के श्राप के कारण से ही बन की लकड़ी बनी। जिस तुलसी का विवाह आप लोग करते हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी भतीजी के लिए, अपने भैया की बेटी के लिए, अपनी बहन की बेटी के लिए, अपने भैया की बेटी के लिए, दुनिया करती है, मगर तुलसी का विवाह हर कोई करता नहीं है और हर किसी पर होता नहीं है। ये गोविंद की कृपा है आप लोगों पर कि तुलसी का विवाह हर कोई करा नहीं सकता है और हर किसी पे होता नहीं है। ये मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। ये पैसे वाले बहुत बहुत बड़े पैसे वाले पड़े महाराज, वो जानते तुलसी होता क्या है? वो ये भी नहीं जानते हैं कि तुलसी का पेड़ होता क्या है।
इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि तुलसी को कभी पौधा ना समझना चाहिए, तुलसी को कभी पौधा ना समझना चाहिए और माँ बाप को कभी इंसान नहीं समझना चाहिए। माँ बाप को कभी इंसान मत कहना, क्योंकि ये भगवान होते हैं और तुलसी का जो पौधा है ना वो वृक्ष नहीं है, ये वो चीज है। इसके नीचे बैठने से, इसकी पूजा करने से ठाकुर जी का भी जीवन धन्य हो गया था, जो तीनों लोगों का स्वामी है ना वो भी धन्य हो गया था। इसकी कथा आएगी, सुनाएंगे कल, मगर आज भागवत पा जाइए। सब त्याग करके वृंदावन में आ गई। कभी आप वृंदावन गए हो देखा होगा कि वृंदावन में हर आदमी राधे राधे कहता है, कहता है कि नहीं? और जो ऐसे जाते ना यहाँ से गाजियाबाद से दिल्ली से, वो लोग नहीं कहते, वो तो कहते हटो बच्चो। मगर जो वृंदावन का है, ओरिजिनल है वृंदावन रहा है 2-3 साल, तो राधे राधे बोलता है। क्या बोलता है? और जिसके जीवन में राधा है ना उनके जीवन में कोई व्याधा नहीं आ सकती। ये मेरा चिरंजय भगवान कन्हैया के जीवन में राधा आई, तो राधा आने के बाद में सब व्याधाएं कट गईं, उनका नाम पड़ गया विश्वगौड। क्या पड़ गया? भगवान राम को विश्वगौड नहीं कहते, भोले बाबा को विश्वगौड नहीं कहते, मगर कन्हैया को कहते हैं कि नहीं? अंग्रेजी भी पूजा करते हैं, विदेश में भी इसकी पूजा होती है, विदेश में भी भागवत कथा होती है, गीता का ज्ञान विदेश में भी होता है। आज सब तज भजन करो दिन रात, ज्ञान वैराग्य दोनों अपने बेटाओं को छोड़ दिया और छोड़ करके वृंदावन आ गई। वृंदावन में आकर के उन्होंने भगवान का भजन किया, चिंतन किया। जब से आप देखना कि वृंदावन में राधे राधे की भक्ति है, हर आदमी की जवान पर राधे राधे बड़े प्रेम से भाव से बोलता है। और हरिद्वार में आप हरिद्वार जाएं तो देखा आपने कभी? जब इधर से जाओगे तो मन में रहेगी अरे भैया हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा जी नहाएंगे, 2-4 दिन रह के आएंगे। ध्यान देना, आज वहां गंगा नहाने के बाद में ना हरिद्वार में हर की पैड़ी पे जब नहा लेते हैं तो नहाते कहने लगता चलो जल्दी घर को। क्यों? इधर से जाओगे तो आपके अंदर ज्ञान है, वैराग्य है, वैराग्य हो गया कि सब छोड़ दो मैं हरिद्वार चला जाऊंगा। पति पत्नी में भी लड़ाई हो जाती तो कह देते ज्यादा का चुकेगी ना, हरिद्वार चला जाऊंगा, महात्मा बन जाऊंगा, कह में के नहीं। और जब गंगा जी नहा ले तो कह दी जल्दी चलो घर, पता ना हमारे घर में कोई घुस तो लेके लियो, फायदा ना रुकवे में, क्योंकि ये है ज्ञान। जहाँ ज्ञान और वैराग्य हो जाता है ना वहाँ जीवन में आदमी कुछ कर नहीं पाता है, और भक्ति जहाँ होती है आगे बढ़ा चला जाता है। कि ज्ञानम रेन शीघ्रयो रेनम वैराग्य रे, दोनों ज्ञान वैराग्य को छोड़कर कि महाराज भक्ति आई वृंदावन में, और वृंदावन में आकर के रमण गई। इस कलयुग में भक्ति वो चीज है कि जो चीज पाओ वो मिल जाएगी। आप गुस्सा में किसी के पास में जाओगे तो कुछ देगा क्या? और प्यार से जाओगे तो सन्ने नाव जी अजी सुनते हो कि नहीं भैया मुझे बहुत जरूरत है, दे दो ना, एक भी बार मना नहीं कर सकता आदमी। और आप यदि ओए क्यों नहीं देगा मेरा सामान दे तो का कह दिए फिर जा तो पहले ले ली। भक्ति में वो शक्ति होती है कि भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोको
अरे नाना भात नचायो नचायो नाना भात नचायो रे भगवन ओ कुं नाना भात नचायो पड़ी नरस भगत पे बुलायो भीड़ पड़ी थी नरस भगत पे वाने मोहे बुलायो भीड़ पड़ी थी नरस भगत पे वाने मोहे बुलायो भीड़ पड़ी थी नरस भगत पे वाने मोहे बुलायो अरे वाने मोहे बुलायो बुलायो वाको भात भरायो रे भगत वाने मोए बुलायो भीड़ परी थी द्रुप सुता पे वाने मोए बुलायो वाने मोए बुलायो बुलायो जय जय चीर बुलायो रे भगवान ने मोको भगतन ने मोहे बुलायो बंदना प्यार में कथा भई भगतो ने हमें बुलायो बंदना प्यार में कथा भई जब भगतन ने मोहे बुलायो बंदना प्यार में कथा भई भगतो ने हमें बुलायो अरे भगतन ने हमें बुलायो बुलायो तुलसी प्यार जायो रे घड़ी ने 6 बजा दिया है आरती होगी तो टाइम लगेगा एक छोटी सी कथा सुना करके आरती कराऊंगा मेरा भी मन नहीं कर रहा आरती कराऊं
एक बार हाथ ऊपर कीजिए दोनों, जो जो ये चाहते हैं आरती हो जाए, सब चाह रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। कुछ लोगों की भावना तो ऐसी है कि कब बाबा हटे और प्रसाद बटे। हाँ ऐसे होता है। एक बार एक प्रतिमाकार ने दो मूर्ति बनाई, ध्यान से सुनना, छोटी सी कथा है। अपने घर जा रही है, समझ में आ गई? नहीं, ध्यान देना। एक प्रतिमाकार ने मूर्ति बनाई दो, और दोनों मूर्ति पीतल की, दोनों मूर्ति 40-40 केजी की, ना ही तो एक रत्ती कम ना एक रत्ती ज्यादा। बनाने वाला वो कारीगर था। अब वो दोनों मूर्ति जाकर के उसने मेला में दुकान पर लगा दी, सजा दी। लोग आए, भैया जी ये मूर्ति के रुपया की है? बोले एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति 1,00,000 रुपए की है। अंतर क्या है? उन्होंने कहा अंतर क्या है? बोले अंतर कुछ नहीं है। बनाने वाला में दोनों मूर्ति पीतल की, दोनों में 40-40 किलो वजन है, ना एक रत्ती ज्यादा है ना एक रत्ती कम है। अंतर क्या है? अंतर तुम बताओ। अब एक एक करके मिला सा लगने लगा। कथाएं तो बहुत सुन रहे हैं आप लोग, सुनते रहेंगे और आगे भी सुनेंगे। अंतर क्या है? देखा ना अंतर? अंतर देखा तुमने? आज कुछ नहीं देखा, नहीं देखा, क्योंकि बिजी इतने इतने अंतर क्या देखते? क्योंकि आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे नहीं देखता। उन्होंने कहा अंतर क्या है? अंतर आप बताओ। मेला लग गया, जमघट जुड़ गया, भीड़ लग गई, मगर किसी पर अंतर नहीं मालूम पड़ा। एक मेरे जैसा कोई पागल आदमी आ गया सत्संग। उसने कहा भैया मूर्ति तो बड़ी सुंदर है, क्या कीमत है? एक की 500 रुपया है, जो टोपी लगा के बैठी है, और जो पीछे बैठी है वो 1,00,000 रुपए की है। अंतर क्या है? क्या अंतर यही है कि एक टोपी एक टोपी नहीं? ध्यान से सुनोगे तो कुछ मिलेगा। अंतर दोनों मूर्ति पीतल की, ना एक रत्ती कम है ना एक रत्ती ज्यादा है, दोनों में 40-40 किलो वजन है। बनाने वाला मैं हूं और कोई नहीं। ठीक ठीक ठीक। महात्मा जी ने सुतली ली, सुतली जानते हैं? सुतली को बटा और मूर्ति के कान में डाला, इधर से इधर निकल गई, दूसरे के में डाला, कान में डाला, पेट में चली गई। बोले लाला रे ये मूर्ति 500 रुपया की है और ये मूर्ति 1,00,000 रुपए की है। श्रोता और सोता, यदि आप कथा सुनेंगे तो मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और आप कहेंगे हमें 7 दिन तक नाच गाना चाहिए तो नाच गाना भी मिल जाएगा, जैसा आप चाहेंगे रंग दोनों में। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सब मसालों पड़े तो सब्जी में जब भी आनंद आता है। अंतर तुम बताना। कथाएं बहुत सुनी होगी, सुनते रहोगे, और अपनी ये जो कथा है जो आज की कलश यात्रा हो रही है, आए ना घूम कर पूरे खोड़ा में। यदि आप उसे देखना चाहते हो मोबाइल पर, यूट्यूब पर, तो अपने अपने मोबाइल निकालो, निकालो सब जिनके पास मोबाइल है। नहीं मजाक नहीं, निकालिए ना, सब अपने अपने मोबाइल निकालिए अपना अपना। और यूट्यूब पे सर्च कीजिए श्री पवन भारद्वाज। कल तुम्हें ये कथा जो आज कह रहे हैं ना, ये कलश यात्रा, ये सब आपको कल दिख जाएगी यूट्यूब पर। आज आपको फेसबुक पे ना 1,26,000 आदमियों ने लाइव देखा है फेसबुक पे।
आप सर्च कर लीजिए, घंटी बजाना ना भूले, घंटी जरूर बजा देना, लाल बटन टर्न करके, ठीक है। एक बार जोर से बोल, राधे। अंतर तुम बताएंगे कि क्या अंतर है। ये भागवत कथा कथा मत समझना, ये अनुष्ठान है। परीक्षा जी महाराज, आज पहला दिन है, कोई बात नहीं है, कल से आसन पे चाहिए, ठीक है। और सुबह को यज्ञ होगा, पूजन होगा, तुलसी बैठ गई है, ठाकुर जी बैठ गए, सालग्राम बैठ गए आकर के, इनका रोजाना पूजन होगा। ये दो आचार आए, तीन ब्राह्मण, एक दो तीन, वो तो चले जाएंगे आज महामंडलेश्वर, दाढ़ी वाले तो दोपहर बाद ही आएंगे। तो तीन आचार हैं, ब्राह्मण, हवन होगा, विधि विधान से पूजन होगा। पंकज जी मन नहीं लग रहा है क्या? नहीं मन नहीं लग रहा तो आरती करा दूंगा, नहीं लग रहा? आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मैं भी तो तुम्हारी बराबर घुमाऊं, एक आसन से बैठाऊंगा, नहीं देख लो, ऐसे मत करो। तो हवन में जो भी यजमान बनना चाहे जोड़ा से, वो बन सकता है। किसी से ये नहीं कि तुम क्यों नहीं बनोगे, क्यों नहीं बने, कोई भी बन सकता है। ये ना सोचें कि ये 14 मेंबर कमेटी वाले यही सब कुछ करेंगे, ना। जिसके मन में आवे ब्राह्मणों की सेवा के लिए आटा दाल सब्जी चीनी चाय दूध जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। समझ में आ रही है ना? इधर से भी कह रहा हूँ, इधर सबको कह रहा हूँ। जिसके मन में आए कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, तो हम ब्राह्मण भोजन घर घर नहीं करते, क्योंकि हम अपना भंडारी साथ रखते हैं। जिस किसी को भी जो भी राशन देना है, आटा दाल चीनी पत्ती चाय नमकीन बिस्कुट जो भी राशन, सूखा गद्दी पे पहुंचा दो या हमारे रूम पर पहुंचा दो, ठीक है। कोई अपने मन में ये ना सोचे कि हमने सेवा नहीं की। और ये जो 14 मेंबर है ना तुलसी विवाह वाले, इन्हीं के ऊपर ना आए हम वंदना विहार में के ना जी वही लिवा के ना तो वही करेंगे ना, कोई भी सबके लिए दरबार है भगवान का, ठीक है। ये कमेटी वाले तो पीछे कर लेंगे ना, तो बाद में जो नया आए वो जुड़े, सही है ना। और जो भी कमेटी में मेंबर बने बन जाए, तुलसी विवाह बने चाहे राधे राधे मित्र मंडल बने, जुड़ना चाहिए। सब मेरी माताओं से बहनों से यही कहना है कि अपने हिंदुत्व को बचाना है, अपने इस सनातन धर्म को बचाना है, क्योंकि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अनेकों धर्मों में जा रहे हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है, धर्मो न रक्षते रक्षते धर्मः। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा कि नहीं? दो करी ना करेगा, मुस्कराएगी यार। एक बार जोर से बोल दो राधे, ठीक है। आरती करवाएं पक्का, तो एक भजन होगा पहले, और भजन में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, पीछे हट करके और झूमना है, क्योंकि YouTube पे पड़ेगा तो दुनिया देखेगी। और कल की जो कथाएं, देखो आज पहला दिन है, कलश यात्रा में गए, अब तो एक दिन तुम्हारा बढ़ चुका है ना, 8 तारीख के हो गया ना तुम्हारा, तो कथा कल से प्रारंभ होगी, क्योंकि कल गौकरण रुंधकारी कथा। अब सबसे पहले ये कथा कौन ने कहां कही, कैसे कही, किस बात पर कही, वो आपको सुनाई जाएगी, बहुत सुंदर लीला। कल कथा का समय 2 बजे से है, आप लोग के बजे आएंगे, वो कह रही 3 बजे आएंगे। देख लो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है, और इस गली में भैया गाड़ी घोड़ा को हटवा दो, देखो आज व्यवस्था भंग हो रही है। हाँ नहीं हुआ, क्योंकि 1 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, मम्मी पापा बच्चे लेने जाते हैं, क्योंकि एक हमारा आचार्य भी ऐसे करता है, ऐसा है ना, 2 बजे से सब लोग आ जाएंगे, बढ़िया रहेगा। का कह रही है बता जल्दी बोलो, आरती ना कराऊं तो भजन ऐसे थोड़ी बोला जाएगा, भजन तो भजन के तरीके से बोला जाएगा। तो आइए
और चलना है भगवान के चरणों में, कैसे कैसे जाना है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ए बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हो गई अरे भूल गई मैं सब शुद्ध अपनी, बेशुद्ध सी हो गई। अरे भूल गई मैं शुद्ध बुद्ध अपनी, बेशुद्ध हो गई। अरे भूल गई सब शुद्ध में अपनी, बेशुद्ध सी हो गई। अपने ही घर में रह करके बेघर हो गई। अपने तुम्हें बना के, तुम्हें बना के तेरे अपना ये परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना, ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। अरे छोड़े रंग दुनिया के, रंग गई तेरे रंग में।
मथुरा और खुद को पर काना बना दिया बारी तेरी यारी Ready, 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 ready.
तेरे दीप पे तो है प्यारा नूर लीला।
गजानन पधारो आसन सहारो कात्यानी देवी की गोद में, यानी
इस महीना के लिए लोग तरसते हैं कि हमें भागवत कथा सुनने को मिल जाए। बेटा बैठ जाएगा, बैठ जा, ध्यान देना। दूसरी बात, आज गोपा अष्टमी है, अच्छे अच्छे लोगों को मुहूर्त नहीं मिल पाता है, और चार तारीख का देव उठान है जिसे एकादशी कहते हैं, जिसमें सालग्राम और तुलसी जी का विवाह हुआ था। देव उठान से ही सब विवाह शादी चालू होते हैं, है ना? और जो कमेटी है, उस कमेटी में भी सब तुलसी विवाह के नाम से कमेटी है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको मुझे खुशी इस बात की है कि कलश यात्रा तो बहुत करी है, ये 336वीं कलश यात्रा है मेरी। इससे पहले मैं 335 भागवत कर चुका हूँ, 11 राज्यों में कर चुका हूँ, मगर तुलसी सर पे रख कर के जितना परिक्रमा में आनंद आया ना, शायद पहली बार हुआ है। भागवत हो तो और भी हो रही है, खोना में ही पीछे हो रही है, उधर कल देखा था मैंने। अपन के लिए लोग पहले कहते थे बग्गी लाएंगे, घोड़ा में बैठा लेंगे, कार में चलना महाराज। सन 2020 तक मैं कार में बग्गी में घूमा, मुझे आनंद नहीं आया। और ये सन 2022 में जब से कथा प्रारंभ की है ना, जनवरी से मैं कलश यात्रा में पैदल घूमता हूँ, सबके साथ में घूमने में बड़ा आनंद आता है। अरे जब लड्डू गोपाल गोदी में जा रहा है, हमें जमीन से जुड़ने में क्या दिक्कत है, ये बताइए ना। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, सभी माता बहनों से, भागवत श्री माने है लक्ष्मी और मद माने अहंकार। आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी पैसे वाले, माना कि पैसा है, मगर पैसा सब कुछ नहीं है। इंसान के पास में पैसा होता है ना, तो जमीन से दो अंगुल ऊंचा रखता है। कौन है जी वो? पैसा वाले। पैसा वाले आदमी बतलाने में, बोलने में, बातचीत करने में ना, यू करते, किससे बतलाऊं, किससे बतलाऊं। अभी मेरे एक चेला है, इधर मकान लिया उसने 1.5 करोड़ रुपया में फ्लैट। अब उस दिन मिल गया, बोले गुरुजी 6 महीना हो गए इस बिल्डिंग में, कोई ये नहीं पूछता तू कहां से आया है। और हम देखो सब कितने बढ़िया गए ना, कोई कहीं से आया, कोई 47 से आया, कोई ग्रेटर नोएडा से आया, कोई कहीं से आया, कोई हाथरस से आया, कोई अलीगढ़ से आया, और हम सब मिलकर के एक साथ घूम रहे हैं आनंद के साथ। तो हम बढ़िया हैं, वो पैसा बढ़िया है, बोलिए ना। क्योंकि जो कान्हा का दीवाना है, जो मेरे श्याम का दीवाना है, उसके सब दीवाने हैं, और जो कान्हा का दीवाना नहीं है, वो कोई का दीवाना नहीं है। तो श्री मद, श्री माने हैं लक्ष्मी, मद माने अहंकार। बेटा टेप लगा ले, 8 दिन को मामा रो, अभी तो बाबा जी स्टार्ट हुए। हाँ, यहाँ बैठे थे मित्र तरना मेरी काबू का, 4 घंटा के बाद मैं जैसे तुम ऐसे मैं हूँ, यहाँ बैठने के बाद में ताल्लुक खत्म है सबसे, ध्यान देना। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। मद 3 प्रकार का होता है, ध्यान देना। भोजन भी मिलेगा, जल्दी हो तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा। मन लग रहा है आप लोगों का नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही ना? आ रही नहीं? ऐसे सोच रहे हो कान पे को तार दे तो क्या परेशानी। मद होता है शराब का, दारू लिखी रहती है मदशाला। एक मद होता है शहद का, मद शहद। तीसरा मद होता है अहंकार, किसी कोई कहता है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, कोई कहता है कि मैं, मेरे पास 4 बेटा हैं, कोई कहता है कि मेरे पास में बड़ा बैंक बैलेंस है, कोई कहता है कि मेरे पास में ज्ञान की कमी नहीं है,
कोई कहता है कि मैं बहुत संगीत में निपुण हूँ, मैं संगीत नहीं बजाऊंगा तो कथा नहीं होगी। कोई कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कथा कौन ने कराई? मैंने। भागवत कौन कर रहा है? मैं नहीं। और बाबा तुलसीदास ने सीधा लिखा है क्या कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ हल्के ऊपर करेंगे, कहेंगे राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और सभी को बोलना है, मुझको ही नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे आज? दिन क्या है? मंगलवार। उठाइए दोनों हाथ और क्या कहना है? ए! हमारी 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 राम जी से राम राम हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हमारी हमारी। ऐसे नहीं बात बनेगी। इंसान इंसान से नहीं डर रहा, कैमरा डरता है। जो तुम करोगे वही दिखेगा कल यूट्यूब पे। उठाइए दोनों हाथ और दुगुन के साथ हमारी हमारी राम जी की राम हाँ जोगी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान पे कृपा करें सब। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। कर माने एंड हाथ, तारी माने ताली। राम कथा सुंदर करतारी संशय विघ्न उड़ावन। भगवान की शरण में आने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, होते या नहीं? हमारे तो महीना है ऐसे बात नहीं बनती। भगवान की मद कभी मद मत करो, अहंकार मत करो। और बाबा तुलसीदास तो सीधी कहते हैं ऐसो को जन्मो जग माही अब प्रभुता पाए ताए मद। अरे जिस पे भगवान की गोविंद की अनुकंपा हो जाए, मेरे गोपाल की कृपा हो जाए, मेरे ठाकुर की कृपा हो जाए, उसे मद ना आए। सब पे आता है तो श्री मद भागवत ध्यान देना। अब चौंजी, अरे पंकज अभी आरती करा दे फिर कथा करेंगे दोबारा तो ना बैठेंगे उसके बाद में। मास्टर जी फोन बहुत देखते हैं आप, काम में देखो बुला रहे हैं वहां पीछे।
ध्यान देना, भा माने भाग, गे माने ज्ञान, बे माने बैराग, ते माने त्याग। 5 मिनट का समय लूंगा, आरती कराऊंगा, फिर भोग लगेगा और तुरंत प्रसाद बटेगा, ठीक है। भा से बन गया भाव, क्या बन गया भाव, बनाना जानती ना आप लोग, सबको ये मालूम थी कि 1 नवंबर से गीता वंदना बिहार में गली नंबर 6 में भागवत कथा होगी। तब मैं कमेटी से मिला तो ये बोली 50 कलश वाली होगी गुरुजी। कितनी हुई, 100 से ऊपर ही ऊपर है, 150, हाँ सॉरी 150 से ऊपर है। तो ये बन गया भाव, कैसे बन गया ज्ञान, कैसे बन गई गाय, कैसे बन गई गंगा, कैसे बन गया गुरु और कैसे बन गया गगन। ये सोच लो, यहाँ राम नाम की गंगा बहेगी, कितना बढ़िया नक्षत्र पड़ गया इनका। कहते हैं ना गंगा जी तो आनहार थी, मगर भागीरथ के सर पर गई। 8 तारीख का भंडारा हो रहा था तो 8 तारीख का ग्रहण पड़ रहा है। कितनी बढ़िया बात है कि राम का नाम एक दिन और फालतू मिलेगा सुनने के लिए, है? अच्छा या बुरा? अच्छी चीज पे ताली बजनी चाहिए, मगर यहाँ तो सोच रहे हैं कि खाने को कब आए। कैसे ज्ञान, कैसे गंगा, कैसे गगन, कैसे गुरु। और जिसके जीवन में गुरु गंगा ज्ञान है तो मां किसी बात की कमी नहीं है। वैसे बैराग बनता है, बैराग में क्या करना है, कै बजे का टाइम कथा का, 2 से 6, 2 से 6 का समय रहेगा डेली। आज तो हम थोड़ा समय लेके कथा नहीं कर रहे, अभी आरती करवाएंगे, सब प्रसाद पाके जाएंगे जो कलश वाले जितनी भी हैं। तैसे त्याग, त्याग भी करना है, कथा में आना है, घर परिवार में भी, घर पे भी ताला लगाना पड़ेगा ना, जब ही तो कथा आएंगे, जब ही आनंद आएगा। और जब तक आनंद नहीं आएगा जब तक आप त्याग नहीं करोगे। त्याग ना क्या है, एक दूसरे से बात नहीं करनी, तू कहां से आई है सखी, तू कहां की हैरी, हैं तेरा गांव कौन सा, ऐसे ना पूछना, कथा में आना है। कथा में खाली हाथ नहीं आते हैं और ना खाली हाथ क्या लेके आते हैं, झूठ बोल रहे हो ना। यदि आप अपने घर से प्रसाद लाएंगे तो फिर यहाँ से क्या लेके जाएंगे, झूठ बोल रहे हो। अपने घर से लाओगे टॉफी है, बतासा है, बनाना है, ऑरेंज है, मैंगो है, क्या लाएंगे आप, फल लाएंगे ना। प्रसाद तो यहाँ बनेगा करके, वो बनेगा कि नहीं। प्रसाद का मतलब होता है पैसे प्रभु, साते साक्षात, दैसे दर्शन। तुम जाना बाजार में से और 1 दर्जन केला लेके जाना, तुम्हारे बच्चे फेंके फेंके डोलेंगे केलाओं, सर्दी में लाए बीमार करोगे हमको, दिखता नहीं है तुम्हें। और यहाँ तो ले जाना, कहीं ले वाले को प्रसाद लाई हूँ, छिलका में छिल छिल के खा जाएंगे, और छिलका गिर गया ना हाथ से तो माथे से लगाएंगे 2 बार, लगाते हैं कि नहीं, तो देख लो। आप अपने घर से खाली हाथ नहीं आएंगे और ना खाली हाथ जाएंगे यहाँ से। ठान जो भी लाएंगे ये मत सोचना कि महाराज जी अपने लिए सोच रहे हो खाने के लिए, अपन नहीं खाते महाराज। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, टिट फॉट टेट, जैसे को तैसा। तो मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं, टाइम से आना होगा। आज कथा 4 बजे से शुरू करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, सुबह से लोग भूखे ज्यादा हैं, हैं? एक बार जोर से जयकारा बोलो, बोली भागवत महाप्राण की, भागवत महाप्राण की। ऐसे लोग पता है कब नहीं बोलते, या तो ज्यादा खा लिया हो या खाया ना हो। एक बार हाथ ऊपर किए दोनों जिन्होंने ज्यादा खाया है। बोली गोविंद भगवान की। आइए परीक्षा जी महाराज, आरती की थाली हाथ में ले लो, 4 बजे मुलाकात। आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी, आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी, आरती गाऊं।
बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ गाना तो मैं को मनाऊं आरती गाओ काना तो मैं को मनाऊं आरती गाओ काना तो मैं को मनाऊं आरती गाओ काना तो मैं को मनाऊं गिरधर तेरी आरती गाओ कानन को नील अधिक विशाला कानन कुंडल अधिक विशाला गले शोभे पे जती माला गले शोभे पे जती माला उन्हें चरणों की में दर्शन पाऊं पाके बिहारी त्यारी आरती गाऊं चरणों में निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों में दर्शन पाऊं पाके बिहारी त्यारी आरती गाऊं ताऊ जी के भैया तुको रोज मनाऊं ताऊ जी के भैया तुम्हें रोज मनाऊं हरि बोल तेरे शीश पे सोहे मोर मुकट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकट तेरे शीश पे सोहे प्यारी मुरलिया काना मेरे मन मोहे प्यारी मुरलिया काना मेरे मन मोहे बले बले जाऊ हारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास की नाथ आपे हो व्यास दास के नाथ आप हो दुखो दुखो जीवन प्यारे साथ आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो जन्म में वीर को पाके बिहारी तेरी आरती गाओ पाके बिहारी तेरी आरती गाओ पाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम लला तेरी आरती गाओ श्याम लला तेरी आरती गाओ दलीन शीतलीन आरारदीजमा दीक्षा नाम आरारदीजमा बोली श्रीमद भागवत महाप्राण की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो माता की जय हो संत समाज की जय हो Thank you.
तब अमृत हो जाए। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए। जो भी खाए परे साध तुम्हारा भव से वो तर जाए कन्हैया, भव से वो तर जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना रखा पर साध रे आ पर के भोग लगाए जाना। रुच रुच भोग लगाए मिलनी के बेर सुदामा के तंदुले रुच रुच भोग लगाए। जो भी खाए प्रसाद तुम्हारा भव से वो तर जाए कन्हैया, भव से वो तर जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना रखा पर साध रे आ पर के भोग लगाए जाना। धर्म की जय हो।